किसान भाइयों देखिए छोटा सा इंजन क्या मजे बांध रहा है। आवाज़ सुनिए क्या शानदार आवाज़ है। ये ज़मीन के लेवल से पानी उठा रहा है, ना वाटर लेवल ऊंचा है। महाबली इंजन का नाम है। ये देखिए बोरिंग है, ये बोरिंग करा रखा जमीन के लेवल से पानी उठा रहा है। इसका खर्चा कितना आ गया जी एक घंटे में? एक लीटर भाइयों, एक लीटर खा रहा है। और इनका यहाँ अपना चक है, सारी भराई इसी से करते हैं किसान भाई। कोई मेंटेनेंस नहीं, किसान भाइयों मेरा सुझाव है अगर कहीं ज़मीन खरीदनी हो तो वहाँ खरीदो जहाँ वाटर लेवल ऊपर हो। कुछ जगह जो है बहुत गहरा वाटर लेवल पहुँच गया, किसान परेशान है। अगर वहाँ अच्छा रेट मिल रहा है, ज़मीन कहीं चली जाए गवर्नमेंट ले ले, तो ज़मीन वहाँ खरीदो जहाँ चोया ऊपर हो, मतलब वाटर लेवल, और घर वहाँ बनाओ जहाँ नेट आता हो। अगर आपने मकान ऐसी जगह बना लिया जहाँ नेट ना आता हो तो बालक परेशान हो जाएंगे, आगरे भेजने पड़ेंगे, पागल हो जाएंगे। आज के ज़माने में मोबाइल के बगैर आदमी आज टाइम में अधूरा है। तो मेरी बातों का दो का ध्यान रखें, ज़मीन खरीदो वहाँ जहाँ वाटर लेवल ऊंचा हो, और घर वहाँ बनाओ जहाँ नेट आता हो, मोबाइल फटाफट चलता हो। हमारे गांव में भी नेट नहीं आता, हमें सिर में दर्द हो जा, खेतों में जाना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो मजाक में मत लेना, जो बेटे मेरी बात सही है ना? हाँ जी बिल्कुल सही। अगर नेट नहीं आता दिक्कत होती है। पबजी नहीं चलता, हमारे नेट वाले बताइए। अपनी समस्या बता रहे हैं। हमारा पबजी नहीं चलता है, नेट नहीं चलता, अच्छी नेटवर्क नहीं आते हैं, काम नहीं हो पाता स्कूल का। और जहाँ नेट आता है वहाँ जी लगता है? हाँ जी वहाँ, चाहे वो जंगल हो। हाँ नहीं, जंगल तो नहीं। तो दोस्तों बात अच्छी लगी है तो लाइक करना। नमस्कार।